हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री श्याम बुटीक पे। तो मैं आज आपको ये कपड़ा देख रहे हैं, इसमें एक अपने राजस्थान में शेखावाटी एरिया में पहने जाने वाला घाघरा, और घाघरे में कई मॉडल होते हैं, तो उसमें मैं एक जो मोस्ट पॉपुलर है जिसको ट्रेडिशनल डिजाइन के अनुसार पहले से लेकर अभी तक और आगे भी वो चलता रहेगा, वो है अम्ब्रेला घाघरा। तो उसकी मैं कटिंग समझाने बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये कपड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रिंट देखो कितना शानदार बढ़िया प्रिंट है, और बनने के बाद उससे भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये इसका नाप है, लंबाई 42 और कमर है 40, यानी 42 लंबाई है, 40 इंच इसकी कमर है। तो ये कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा देख के सेट करना है कि लंबाई और कमर के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग में आसानी से आ जाए, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये कम से कम ये दोनों तरफ इसमें हल्का सा वर्क भी नहीं है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं अगर अपन यहाँ तक इसको काउंट करेंगे तो फिर वो वर्क नहीं होने से साइड अच्छी नहीं नजर आएगी। ये डबल फोल्ड कर लिया, फिर इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं। अम्ब्रेला कट का मतलब होता है क्रॉस, ऊपर हल्का सा नेफा लग जाएगा, पूरा छतरी की तरह होता है, इसलिए इसका नाम अम्ब्रेला कट निकाला हुआ है पहले से, एक अम्ब्रेला छतरी की तरह इसका काफी अच्छा घेर होता है। अभी देखो मैं इसको सेट करके और इसका कमर का लंबाई का तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और विश्वास है आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी देखो ये दोनों साइड बढ़िया होगी क्रॉसिंग में और सेटिंग में, ठीक है जी, दिखाई दे रही है आप लोगों को। मैंने इसका नाप बताया था, आपको फिर से रिपीट करता हूँ, लंबाई है 42 और कमर 40, ठीक है, तो 40 कमर है, ये यहाँ तक कपड़ा है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ आगे करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से नजर आए और पूरा कैमरे की नजर में रहेगा तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। देखो ये आगे मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन आगे करूंगा तो यहाँ खाली दिखेगा तो वो बनने के बाद में सुंदर नहीं लगेगा, तो अपन को जहां तक ये वर्क है ना उस क्रॉसिंग तक इसको रख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी। ये अभी इसकी कमर 40 इंच बताई थी, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, तो अपन को इस तरह से क्रॉसिंग दिखाना है, वो मैं बताता हूँ और आगे आपको समझाऊंगा। तो लगभग ये कि बात आइडिया से अपनी इस तरह से करके देखिए, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ ये हिस्सा हल्का सा इसे सीधा, फिर इसको हल्की गोलाई देनी है, और जो ये पार्ट है ना ये क्रॉसिंग है, तो अपन का ये पार्ट इस तरह ही सीधा क्रॉसिंग होना चाहिए ताकि यहाँ का हिस्सा पहने रहे तो वो फिर बढ़िया नजर आएगी, और ये भी सीधा होना चाहिए, ये भी सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए इसकी स्टेप के अनुसार, ये सीधा होना चाहिए इसकी क्रॉसिंग के अनुसार, और फिर दोनों के बीच में इस तरह से अपन को थोड़ा सा हल्का सा अंदर करके मिला देना, ताकि ऊपर बैठने के बाद बहुत ही बढ़िया फिटिंग और नीचे से पूरा थ्रिल में नजर आएगा। अभी देखो ये 40 है तो 10 इंच बराबर आ रहा है, इस तरह से बेल्ट लगाएंगे, अभी इसमें ऊपर लगभग 1.5 इंच का मिनिमम नेफा लगेगा, तो 1 इंच लंबाई कम रखते हैं, फिर आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा, तो ये 1.5 इंच का नेफा बन जाएगा, और अपन ने लंबाई इसकी बताई थी 42 इंच। तो ये देख रहे हो आप,
42 इंच यहाँ तक आ गई है और इसमें भी नीचे आधा इंच मुड़ाई होगी ना जो सिलाई में चला जाएगा कपड़ा अंदर, तो ये 42.5 रखी है। ठीक है, अभी ये निशान से अपन देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है लगभग 41 इंच। ठीक है, यहाँ इसको आधा इंच छोटा करेंगे, क्यों, उड़े होने के नाते ये थोड़ा हल्का सा नीचे आ सकते हैं, तो ये 41 की जगह 40.5 रखेंगे और वही यहाँ कम से कम आधा इंच 40.5 तो ये हल्का सा आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये 40.5 पे जान निशानों को मान लगा के इस तरह से इनको मिला के कटिंग कर देंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको आगे करके समझाने की, ताकि आपको निशान नजर आए और आप अच्छा से इसको देख पाए। और ये अगर नीचे जमीन पे करके अच्छा से खुले में कटिंग करेंगे तो पूरा कपड़ा और सब अपन और बेटर देख पाएंगे। जैसा मैंने बताया था 41 से तो आधा इंच कम है, ये देखो 40.5 में और इसी निशान में ये देख लो यहाँ आ गया। ठीक है जी, अभी इससे अपन को यहाँ मिलाते हुए क्रॉस करना है उसको, तो ये मार्क देखो मैंने लाल है तो हो सकता है आपको कम नजर आ रहा हो, लेकिन जो ही इसको करेंगे इस तरह से फिर कटिंग करेंगे तो आप समझ लोगे। ठीक है, अभी मैं कटिंग करूँगा तो और आसानी से आप देख लेंगे। ये क्या है, कपड़े को थोड़ा सा बैलेंस में और सही तरीके से रखना जरूरी है, कटिंग करने से पहले चेक करना चाहिए ताकि अपन कर रहे हैं वो काम सही हो रहा है कि नहीं। इसको देख लिया तो अपन को पता हो गया कि ये ऊपर नीचे सही आ रहा है, तो दोनों तरफ सही रहेगा। अभी देखो जो मैंने निशान लगाया उस पर इसको मैं कैंची से कटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह इसको अपन को ऊपर से करना है। बताया था आपको पहले निशान गए तो यहाँ करीबन थोड़ी दूर में 2 से 1.5 से 2 से 3 तक इस तरह से शेप होगी, फिर ये इस तरह से बुलाई गई, फिर वो ही यहाँ जाके उड़े में सीधा कर, तो इस बेल्ट लगने के बाद उसका रिजल्ट उतना ही शानदार आएगा। ये मैंने हल्का सा कैंची से इस तरह से कर दिया ताकि पता चले ये हाफ पार्ट है, ये सेंटर का है, ये साइड का है, और यहाँ साइड में अपन इसको चेन लगा सकते हैं। साथ ही अगर इसमें विगर अस्तर के करेंगे तो इस तरह से होगा, यहाँ जॉइंट हो जाएगा वो मैं अभी बताऊंगा, और अगर अस्तर लगाना चाहें तो इसके बराबर अस्तर कटिंग कर और इसको अटैच करके अस्तर भी कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज आपको बताने वाली वो ये है कि ये जो वर्क कसीदा एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रहा है ना, तो उससे अपन आधा इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे, वो इसलिए कि सिलाई में ये कपड़ा अंदर जाएगा, फिर अपन यहाँ जॉइंट रखेंगे। और मैं पहले ही कटिंग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे अपन सभी को। ये वर्क नहीं है इसलिए अपन को कटिंग करना पड़ रहा है, नहीं वर्क होता तो हम यहीं से ज्वाइन कर सकते थे। अभी जो ये बचा हुआ कपड़ा है
उसमें अपन इसका जोड़ निकालेंगे। तो देखो जोड़ भी लगाने के लिए इसमें भी अपन को हमको ध्यान देने की बात यह है कि जो व्रत है व्रत तक ही इसको रखेंगे, व्रत से आगे रखेंगे तो नीचे बिगर व्रत का दिखेगा इस तरह से, तो वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ ये तो है ही इतना स्टिचिंग का, फिर इसमें जोड़ लगाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने इस तरह से देखो वर्क के अनुसार ये वर्क के अकॉर्डिंग अपन को नीचे ऊपर देखते हुए और फिर इसको यहाँ से फोल्ड करना, ठीक है। ये फोल्ड कर लिया अपने और अपना लगभग कपड़ा भी सही चल रहा है। ये देखो थोड़ा और आगे करके कर लेते ताकि सेंटर भी सही हो इनका अपना। इसमें जो बिगर व्रत का है वो पहले निकाल देते हैं ताकि सिलाई में भी आसानी रहे और समझ में भी आए, कहीं गलती से फिर वहां लगाएंगे तो वापस अपन को सिलते वक्त डबल टाइम लगेगा। फैब्रिक में कुछ है पेपर दिया हुआ है, इसमें अच्छा तो रहेगा, अपन को अस्तर लगाना चाहिए ताकि बनने के बाद भी ये भी ज़्यादा अच्छा लगे। पेपर एक बार तो ठीक है, फिर धोने के बाद भी ये नहीं रहेगा। ये अपन को इसका साइड निकाल दिए, ठीक है। ये देखो अभी आसानी से समझ आएंगे कि ये यहाँ तक जोड़ के लिए ये कपड़ा लिया है आगे तक। अभी इसको यहाँ अपन कटिंग करेंगे नीचे वाले हिस्से को देखते हुए। देखो ये है तो यहाँ से कम नहीं है, उससे आधा इंच ज्यादा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। फलकल का नीचे वाला हिस्सा देख लेंगे वो पता चल जाएगा अपन को, उसे थोड़ा बड़ा रखते हुए फिर जोड़ लगाने के बाद फिर से इसको सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अम्ब्रेला घाघरे की बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग संपन्न होगी और फिर इसका बेल्ट कपड़े में से अगर इसी में निकालेंगे तो ज्यादा सही इसलिए रहेगा कि ये ततरी अंदर चुभ सकती है, तो प्लेन रखेंगे तो ज्यादा सुंदर रहेगा और पहनने में भी परेशानी नहीं रहेगी। बाकी कपड़े को अपने को बेल्ट में और नीचे अब ये बनाने के लिए इसमें नीचे दोनों अगर अस्तर लगाना है तो हमें अस्तर लगाना है, मेरे पास अस्तर है तो इसके बराबर मैं अस्तर की कटिंग करूंगा, फिर इनको कच्चा करके पूरा और नीचे से बराबर करके और फिर यहाँ करीबन 2 से 2.5 इंच तक पेपर कैनवास या कैनवास नीचे लगा के पलटी मार के तुपाई करके और फिर ऊपर बेल्ट लगा के
इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे, इतना शानदार बढ़िया बनके तैयार होगा, फुल करीबन 4-4.5 मीटर गहरा रहेगा और मैं बन जाएगा तो इसकी आपको पिक लगा के भी दिखाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।